कर्तव्य प्रायणता और ईमानदारी से निर्वहन किया है। मैं सदन के सभी सदस्यों के सुखद जीवन की कामना करता हूं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे विरुद्ध यह अविश्वास प्रस्ताव आना एक संसदीय प्रक्रिया का निर्वहन है। आप सब इसमें भाग ले रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 179C में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रावधान है, जिसके अनुसार विधानसभा के तत्कालीन सदस्य समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। वर्तमान में बिहार विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 243 है। बहुमत हेतु 122 सदस्यों का विश्वास के पक्ष में मत होना चाहिए, तभी इसे स्वीकृत माना जाएगा। अब मैं आपके बीच आता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी अब सदन का संचालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। माननीय सदस्यगण, चूंकि आज अध्यक्ष जी के अविश्वास प्रस्ताव है अध्यक्ष जी पर, इसलिए मैं पक्ष विपक्ष दोनों माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि बिहार का जो गरिमा है, बिहार ने जो अपनी राजनीति में मान सम्मान प्रतिष्ठा है, मैं दोनों पक्ष विपक्ष के साथियों से आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी संवैधानिक नियम है उसी के तहत यहाँ कार्रवाई होगी। सब कोई शांति ढंग से यदि यह मतदान करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा मैसेज बिहार के लिए जाएगा। इसलिए सबसे मेरा आग्रह होगा कि सब कोई संवैधानिक नियमों का पक्ष विपक्ष पालन करने का काम करेंगे। माननीय सदस्यगण, इस प्रस्तावित संकल्प के संबंध यदि कोई माननीय सदस्य अपना विचार प्रकट करना चाहे तो रख सकते हैं, अन्यथा मैं इसे सीधे सदन के समक्ष रखूंगा। अध्यक्ष महोदय, राजद की ओर से प्रोफेसर राम मनोज यादव जी के अविश्वास राम मनोज जी, माननीय सदस्य राम मनोज जी, अच्छा माननीय सदस्य भूदेव जी, सम्मानित उपाध्यक्ष महोदय, आज सबसे पहले एक मिनट भूदेव जी, माननीय सदस्यगण, आज इस बिजनेस के बाद विश्वास प्रस्ताव पर भी विचार होना है तथा अन्य औपचारिक कार्य भी होने हैं, कृपया संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने दल के प्रबुद्ध नेता, युवाओं के नेता, युवाओं का भविष्य, पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और अन्य सभी वरिष्ठ दल के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इस विषम परिस्थिति में, बदली हुई परिस्थिति में मुझको इस विधानसभा में बोलने का अवसर प्रदान किया है। मुझे ताज्जुब हो रहा है और कोई जवाब नहीं सोचता है। 17 महीने हुए हैं और 17 महीने में जो परिवर्तन देखने को मिला है और बिहार और देश के लिए बहुत ही उपहास और मजाक का यह समय। उपाध्यक्ष महोदय, मुझको स्मरण है मैं 2000 में ही यहां का विधायक बना था
बीच में मैं एमपी बन गया और फिर विधानसभा का सदस्य बन के इस सदन में आया हूं, लेकिन जिस तरह के माहौल और जिस तरह का परिवर्तन मुझे इस वर्ष देखने को मिला, या मुझको लगता है कि सदन में बैठे हुए जो महानायक होंगे, चाहे हो जननायक कर्पूरी ठाकुर हों, चाहे और कोई अन्य वरिष्ठ नेता हों, अगर उनकी आत्मा निहारती होगी सदन पर तो मुस्कुराती नहीं होगी, हंसती नहीं होती होगी, बल्कि बिलाप करती होगी कि यह क्या कर दिया। मैं जानना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, मैं बहुत ही करीब से जानता हूं, नजदीक से जानता हूं, बहुत ही करीब से नजदीक से जानता हूं। मुझको तो आश्चर्य होता है किसी सदन में शांति 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 मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या नहीं कहा, मुझको मालूम है। और मैं इसी सदन में बैठा हुआ था उपाध्यक्ष महोदय, किस प्रतिपक्ष के नेता जो अभी उस पार में है, वो जब विजय बाबू यहां बैठे हुए थे और मुख्यमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया था, इनको जरा भी संकोच नहीं हुआ, शंकाएं नहीं हुई, और अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए जो अध्यक्ष जी थे उनको कहा कि लगता है मुख्यमंत्री जी पागल हो गए हैं, यही शब्द था। क्या क्या शब्द नहीं कहा गया आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, लेकिन मुख्यमंत्री जी पता नहीं मुझको उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक आपका समय नहीं लेना चाहता हूं, आप जरा आकलन करिए, 17 वर्ष बनाम 17 महीना, 17 महीने में बिहार के युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने का अगर किसी ने रास्ता दिखाया, उसका नाम था तेजस्वी प्रसाद यादव जी। उन्होंने जो कुछ भी कहा, आज जाइए गांवों में, घरों में, चौक चौराहे पर जाइए, 4 लाख से अधिक जो नियोजित शिक्षक थे उनके विषय में मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर भगवान भी आ जाएगा तो इन शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री सुशील मोदी जी ने कहा था कोई ताकत नहीं है, कोई पैसा नहीं बिहार को, ये नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन मुझको हर्ष है, फक्र है, फक्र के साथ कहना चाहता हूं, जब से तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, इनके प्रयास से इन सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। 17 वर्षों में किसी टोला सेवक को मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुआ, विकास मित्रों में बढ़ोतरी नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, ये 17 महीनों का करिश्मा है कि हर जगह